हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पिछले क्लासेस को भी देखते चलिएगा और कंप्यूटर का मैं प्लेलिस्ट बना दी हूँ। आप छात्रावास अधीक्षक पटवारी वगैरह तैयारी कर रहे होंगे तो वो कंप्यूटर को जो सेक्शन में जो पूछे जाते हैं सभी मैं प्लेलिस्ट बना दी हूँ। सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं। कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो लगभग सभी एग्जाम को कवर कराएगा। तो यहाँ पे हम जितना भी कंटेंट अभी तैयार किया गया है हिस्ट्री का, सारे क्वेश्चन आपके लूसेंट से तैयार किया गया है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। तो किस वंश के शासकों ने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि जो है आपके अनुदान के रूप में दिया गया था? तो आपके मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश या आपके कौरव वंश? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, तो आपके किस वंश के शासकों सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि जो है अनुदान के रूप में दी गई थी? तो आपके सातवाहन वंश थे। याद रखिए, सातवाहन वंश के जो जो यहाँ पे शासकों ने यहाँ पे ब्राह्मणों को सबसे पहले भूमि अनुदान के रूप में उनको दिया गया था। याद रखिए, भारत में देखेंगे तो भारत में जो सातवाहन वंश की स्थापना कब की गई थी? तो 230 से लगभग आपके 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो राजा सिमुख। एग्जाम में अगर पूछे तो आपको RS राजा सिमुख के द्वारा इन्होंने सातवाहन राजवंश की स्थापना की थी। इसके बाद सिमुख, सातकर्णी, गौतमीपुत्र, सातकर्णी, सभी आपके लाइन से सातवाहन शासक हैं। इन्होंने यहाँ पे शासन किए थे। तो इसको याद, राजधानी लोग के कहाँ थे? सातवाहन वंश की जो राजधानी कहाँ थी? तो इन जो सातवाहन वंश की राजधानी आपकी प्रतिष्ठान रही थी। इसको याद रखें, प्रतिष्ठान अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के अंतर्गत अभी वर्तमान में आता है। तो इसको याद रखी थी। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बराबर पहाड़ी के क्षेत्र में अशोक के दान के रूप में लाभार्थी थे बौद्ध, आजीविका, श्वेतांबर या जैन या दिगंबर जैन? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आजीविका। करेक्ट आंसर हो तो आजीविका संप्रदाय को अशोक ने दान में दी गई थी। इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा बौद्ध ग्रंथ और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से संबंधित है? अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, बी और सी दोनों? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बी और सी, जो विनय पिटक और जो आपका सूत्र पिटक। ये आपके दोनों बौद्ध ग्रंथ और धर्म ग्रंथ, धर्म जो धर्म की जो शिक्षाओं से आपका संबंधित है। तो इसको याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक आपके कौन थे? तो गौतम बुद्ध, जो कि इनको बौद्ध धर्म के इनको संस्थापक कहा जाता है। इनका जो जन्म, तो लगभग डेट कभी कभी पूछता है, 563 ईसा पूर्व में इनकी जन्म हुआ था। ये आपके कहाँ हुई थी? तो लुम्बिनी, नेपाल में इनका जन्म हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। और इनके राजधानी का पूर्व वस्तु यहाँ पे इन लोग की थी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के निम्नलिखित जो प्रमुख जो शिलालेख, इनमें से कौन से खरोष्टी लिपि में लिखी गई है? तो मनसेहरा, शाहबादगढ़ी, सांची, सारनाथ या आपका बैरूत? तो यहाँ पे जो आपका जो मनसेहरा और आपका जो शाहबाजगढ़ी, ये आपके खरोष्टी लिपि में इसको लिखी गई है। तो जो अशोक थे, राजा सम्राट अशोक, तो इनके जो प्रमुख शिलालेख है आपका मनसेहरा और आपका शाहबाजगढ़ी, दोनों खरोष्टी लिपि में लिखी गई। अदर कौन से भाषा में लिखा गया? तो आपको आंसर में आपको खरोष्टी लिपि लेना है आंसर में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो अशोक के जो यहाँ से क्वेश्चन और आता है, अशोक के जो शिलालेख थे आपने खरोष्टी लिपि में लिखी गई थी। आप मनसेहरा और शाहबाजगढ़ी, इस जो मनसेहरा और जो शाहबाजगढ़ी, इस जो लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो याद रखिएगा, 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने पहली बार अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। तो आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित किस वेद में पुजारी को ब्रह्मा कहा गया? सामवेद में, यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में? तो अथर्ववेद में जो वेद वगैरह में बताया गया है, अथर्ववेद में पुजारी को ब्रह्मा इन लोग कहते थे। इसको याद रखिए। आप सामवेद से क्वेश्चन पूछा, संगीत वगैरह के बारे में सामवेद में बताया गया है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख, शुंग वंश के संस्थापक, याद रखिए जो पुष्यमित्र शुंग थे, इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। इसने कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे? कोई नहीं, एक,
दो तीन या इनमें से कोई नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने एक अश्वमेघ यज्ञ किए थे। सुगवंश की स्थापना पुष्यमित्र सुंग ने ही की थी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? कनिष्क ने, कनिष्क द्वितीय ने, अश्वघोष ने या इनमें से कोई नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्वघोष, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको बुद्ध चरितम या बुद्ध चरित भी कहा जाता है। इसकी जो रचना है अश्वघोष ने की थी। ये संस्कृत का महाकाव्य है, याद रखिएगा। तो संस्कृत का महाकाव्य है, इसके जो रचयिता अश्वघोष हैं। इसकी रचना काल लगभग आपके दूसरी शताब्दी में की गई थी। इसको याद रखिए, इसमें गौतम बुद्ध के जीवन के जो उनके चरित्र के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में निम्नलिखित कौन सा स्थल बौद्ध और जैन धर्म का तीर्थ स्थान है? बोधगया, राजगीर, नालंदा या आपका वैशाली? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वैशाली, करेक्ट आंसर हो जाए। तो बिहार में ये आपका वैशाली स्थित है, तो आपके बौद्ध और जैन धर्म का इसको तीर्थ स्थान इसको माना जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल में निम्नलिखित अनाज को व्रीही कहा जाता था, जौ को, गेहूं को, चावल को या मक्का को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चावल, जिसको हम इंग्लिश में राइस बोलते हैं। तो राइस को वैदिक काल में अनाज को जो चावल था इसको व्रीही कहा गया है, और आपका गेहूं को क्या कहा जाता था जो इंग्लिश में वीट बोलते हैं, तो इसको गोधूमा, गोधूमा। तो गेहूँ को गोधूमा और चावल को आपका वही शब्द का इन लोग प्रयोग करते थे, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रावण बाद के रचयिता कौन थे? कालिदास, भर्तृहरि, वत्स भट्टी या इनमें से कोई नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वत्स भट्टी। तो रावण बाद के रचयिता है। रावण बाद क्या है? तो ये आपका खास करके रावण वध भी बोला जाता है इनको। तो खास करके भगवान राम और रावण पे जो उनकी जो जर्नी के बारे में इनमें बताया गया है, तो इसको महाकाव्य है, तो इसको याद रखें। इसके रचयिता वत्स भट्टी इसके रचयिता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिगंबरों ने आत्मकथाओं के लिए निम्नलिखित किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो पुराण का, चरिता का, आगम का या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखें, दिगंबरों ने आत्मकथाओं के लिए आगम शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया था अपने जीवनी के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहनों के अधीन निम्नलिखित कौन सा महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल बन गया था? नागार्जुन कोंडा, अमरावती, नासिक या आपका जुनार? इनमें से कौन सा सही है? तो आपका ये आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका 1, 2, 3, 4 डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सातवाहनों के बारे में बौद्ध स्थल के रूप में नागार्जुन कोंडा, अमरावती, नासिक, जुनार सभी आपके बौद्ध स्थल है प्रसिद्ध था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? महाराजा घटोत्कच को, चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को या स्कंदगुप्त को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, करेक्ट आंसर हो जाए। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता था। उन्होंने भारत में गुप्त साम्राज्य के विस्तार में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसको याद रखिए। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त या समुद्रगुप्त? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण की थी, याद रखिए। तो गुप्त वंश के महान राजा थे, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण की थी। तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस पाठ में उल्लेख है कि एक अछूत द्वारा छुआ गया जो पानी उच्च जाति द्वारा उपभोग के लिए अनुपयुक्त रूप में देखा गया? मतलब ये आपके जाति भेदभाव से संबंधित था। तो आपके आचार्य कवि, बुद्धचरित, महाभाष्य या मृच्छपटिका? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य कवि, करेक्ट आंसर इसमें देखा गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो महान महाकाव्य रामायण महाभारत निम्नलिखित किस सदी में संकलित किए गए? तो चौथी शताब्दी में, छठी शताब्दी में, पहली शताब्दी में या तीसरी शताब्दी में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो दो महान जो महान काव्य जो रामायण और महाभारत सभी पदा है, दो महाकाव्य है आपके, चौथी सदी में इसको संकलित किया गया था, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपने स्कोर कितना बढ़ रहे, और आपका और पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए, थैंक यू।